होटल क्रिस्टल सरोवर में रुके एक कंपनी के सेल्स टीम ने जब ये सुना कि वो जिस होटल में रुके हैं वहां से कुछ संदिग्ध कोरोना के पाए गए हैं तो उनके होश उड़ गए। हालांकि लोगों से मिली जानकारी के बाद ही उन्हें पता चल पाया, जबकि उनसे कहा गया कि होटल में केवल सफाई कराई जा रही है। होटल क्रिस्टल सरोवर में जो लोग रुके थे उनको किसी भी बात की भनक तक नहीं थी। बाहर लगी भीड़ को देखकर सभी चौंक गए। जिस भीड़ को आप सभी होटल के सामने देख रहे हैं वो सभी सेल्समैन हैं। ये सभी सेल्समैन अलग अलग जगहों से आए हैं। सेल्समैनों का कहना है कि अगर होटल को पता था कि कोरोना के संदिग्ध यहाँ पाए गए हैं तो बुकिंग नहीं करनी चाहिए थी। लोगों का कहना है कि उनको 12 बजे चेकआउट करना था लेकिन 5 बजे तक उन्हें चेकआउट नहीं करने दिया गया। आगरा के अंदर आए हैं तो हम इस होटल में ठहरे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग किया है सरोवर पोर्टिको में, तो लेकिन यहाँ पे ये पता चला जैसे आप लोग बता रहे हो कि कुछ यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, तो ऐसा कुछ है कि जो डिटेक्ट हुआ है तो हम उसी चिंता में हैं कि भाई ऐसा क्यों है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की है तो इन चीज़ों को एयरपोर्ट पे ही डिटेक्ट किया जाए, यहाँ तक सिटी के अंदर नहीं आना देना चाहिए, क्योंकि सिटी के अंदर आप हम लोग कितना प्रिकॉशन लेंगे, कितना सावधानी बरतेंगे। तो गवर्नमेंट से यही है कि जब वो लोग एंटर करते हैं कंट्री के अंदर तो उनका स्कैनिंग वहीं पर होना चाहिए। तो मॉर्निंग में हम लोगों को जैसे यहाँ पे 12 बजे चेक इन मिलना था तो अभी 5 बजे हो गया है अभी, है ना। बस अभी बता रहे हैं कि मतलब अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है कुछ, उसमें शायद अभी क्लीनिंग हो रहा है क्या बात है। मतलब रेगुलर हमें बताया नहीं, हम घूमने चले गए थे, पर मतलब ये मतलब कुल मिला के जो पोजीशन है बहुत पैनिक है यहाँ पे। मतलब कि जो है ये नहीं समझ में आ रहा रुके या ना रुके आगरा, मतलब यही जो चल रहा है। लोग जो है अंदर जा रहे हैं तो जो है सैनिटाइजिंग हो रही है और मतलब अभी जो है क्लीनिंग हो रही है रूम की, अभी अब दे नहीं पाएंगे रूम तो मतलब ये नहीं समझ आ रहा। सैनिटाइजिंग यही कि मतलब कोरोना वायरस है उसका ही जो खतरा मतलब लग रहा है लोगों को यहाँ पे। देश के अलग अलग राज्यों से आए लोगों को जब पता चला कि इसी होटल में संदिग्ध मिले हैं तो उनके होश उड़ गए। उनका कहना था कि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं थी, उन्हें तो ये तक नहीं बताया गया था कि होटल के अंदर संदिग्ध पाए गए हैं। उन्हें यह कहकर होटल से बाहर जाने के लिए कहा गया कि होटल में सफाई चल रही है। तो यहाँ पे लोग पैनिक होते हैं, उसमें कई चीज़ें हो रही हैं, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, आम जनता भी सफ़र कर रही है, एक माहौल बना हुआ है देश के अंदर कि भाई ये चीज़ हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट इनको पहले से ही इस चीज़ों अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों को चेक इन दिया नहीं गया है अभी तक, तो अभी जाके अंदर देखते हैं चेक इन क्या है। तो हम लोगों ने कैंसिलेशन के भी लिए प्रोसेस डाला है, क्योंकि देखिए हम लोग सुबह आए हैं, हम लोगों को चेक इन नहीं दिया है अभी, तो हम लोगों को चेक इन के लिए बोला गया है एज ए प्रिकॉशनरी। पर हम जैसे हम लोग आए हैं जी, ये होटल जो है अपना ये है ना सरोवर प्रीमी जो है, हाँ जी जी जी, नहीं बताया हमें कुछ नहीं किया है। मॉर्निंग में हम आए थे, नहीं पता हमें मॉर्निंग नहीं, हम तो यही है जाके अपना रिफंड की बात करेंगे अभी, क्योंकि सीज़ का हमें नहीं बताया। मॉर्निंग में जब 12 बजे हम आए हैं तो हमें यही है कि 5 बजे रूम मिलेगा, चलिए ठीक है होटल में कुछ काम होगा जिसकी वजह से हम चलो ताजमहल घूम के आए, पर अब यह है कि कंडीशन सेम रहेगी तो जो है हम रिफंड के लिए बात करते हैं अभी जाके हम लोग। बहरहाल ताज नगरी की स्थिति बिल्कुल ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बेहतर व्यवस्था करने के लिए लगी हुई है। किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विनोद जूनियर, सी न्यूज, आगरा।